वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश। आई एम वीके ग्लोरी सर विद द चैप्टर नंबर 9 द अर्थ। द अर्थ जो है एक स्टोरी है, क्योंकि मैं पहले से ही बता रहा था कि चलो भाई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो स्टोरी लेकर के आता। जमीन खेत, चलिए सबसे पहले फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जल्दी से सारे लोगों को जोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा कल पता नहीं सारे लोग कहाँ सो गए थे, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम था, कल क्या हो रहा था आप लोगों के साथ, आप लोग जुड़े नहीं थे कल। बारिश हो रही थी इसलिए क्या, थोड़ा सा मौसम कल बिल्कुल एक्सेप्शनल था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर वीडियो देखते हैं ना आप लोग, फिर वीडियो जब अपलोड हो जाता है उसके बाद तो देख लेते हैं ना, नहीं देखिएगा तो मजा नहीं आएगा फिर। हाँ चलिए देख लिए तो बहुत अच्छा है नागेश्वर प्रसाद। चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को, यह स्टोरी है इसमें बिल्कुल मजा आने वाला है। नहीं था आप सुबह में देखेंगे तो ये वीडियो अपलोड होता ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप 10-11 बजे देखे होंगे तो आपको मिला होगा, और आप लोग सारे लोगों को शेयर किया कि जी आपको पता ना फॉर्म भरा रहा है, तो फॉर्म भरा रहा है तो वे वजह फॉर्म नहीं भरा रहा है क्या, सुबह ही नहीं था। राखी अग्रवाल क्या बोल रहे हैं, सुबह ही नहीं था, ओ सुबह सुबह ही नहीं था, वो ये बोलना चाह रहे, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। 8:30 से कर दूं, अच्छा 15 अगस्त को आप लोग को यदि हम ऑनलाइन ग्रामर का बैच दें 15 अगस्त को सुबह 7:30 या 8 बजे से, 8 बजे से तो कैसा रहेगा। सिलेबस भाई ये बने रही ना सिलेबस, आप बस विश्वास करके लगे रहिए। क्लास रहता है 15 अगस्त को, मैं बात कर रहा हूं परसों की बात कर रहा हूं, 15 अगस्त अच्छा रहेगा तो फिर बोलिए, ऑन बोर्ड होगा वो, ग्रामर में बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये चैप्टर द अर्थ, आप लोग सारे दोस्तों को बताया कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग ऐसा करें कि दोस्त को नहीं बताया जलन से कि उसको नंबर कहीं ज्यादा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आप इनवियस नहीं ना, जिलियस नहीं होता है, जिलियस ही नहीं किसी से, सारे लोग को बताइए, जो भी दोस्त सहेली हैं उनको बताइए कि वो भी इससे फायदा उठाएं। और फिर इसके ये चैप्टर जैसे ही सारा चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद मैं सैमरी वाइज भी आपको रिवाइज कराऊंगा, सैमरी वाइज सारे चैप्टर का सैमरी वाइज फिर से मैं एक बार कराऊंगा, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको लाइन बाई लाइन वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू किया जाए। द अर्थ, देखिए जमीन खेत, लेखक है एचीबेट्स। एचीबेट्स बॉर्न इन 1905 एंड डाइड इन 1974। एचीबेट्स का जन्म 1905 में और मृत्यु 1974 में हुआ। आप हर चैप्टर का ये याद कर रहे हैं, लेख ऑथर्स का बर्थ और डेथ का, नहीं तो फिर मैं एक ट्रिक बनाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। स्पेशल मैं आपको इस पर एक ट्रिक लेकर के आऊंगा जिससे आपको पढ़ लेने के बाद सारा, जब तक सारा चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक मैं आपको ट्रिक देने वाला नहीं हूं, ठीक है। करे बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, वाज वेल एक्वाइंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड। कहता है उनका जन्म जो है नॉर्थहैम्पटन में हुआ। इनका जन्म कहां हुआ, नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में पड़ता है, सेंट्रल इंग्लैंड, समझ रहे हैं, यानी मध्य इंग्लैंड में इनका जन्म जो है वो नॉर्थहैम्पटन जगह पे हुआ। और कहता है वाज वेल एक्वाइंटेंस, वेल एक्वाइंटेंस या वेल नोन आप समझते होंगे, जाने माने या प्रसिद्ध। कहता है विद द इंग्लिश कंट्री साइड, कहां द इंग्लिश कंट्री साइड, मतलब इंग्लैंड के देहात की बात किया जा रहा है। कंट्री साइड मीन्स क्या होता है, गांव या देहात, ठीक है ना। इंग्लैंड के गांवों की चर्चा इसमें की जा रही है, स्पेशली द पीजेंट्स Who live there? खास तौर पे हम उस कृषक वर्ग के बारे में, पीजेंट मीन्स क्या होता है, फार्मर, किसान, पीजेंट्स कम्युनिटीज के बारे में जो कहा, who live there, जो वहां रहते थे, कहा सेंट्रल यूरोप की हम बात करना ना। A well-known short story writer,
एचीवेट्स क्या थे, एक वेल नोन, वेल नोन मीन्स क्या होता, फेमस, प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। अभी भी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए, बार बार ये कहना ना पड़े, आप समझ लिया कीजिए, थोड़ा सा रेटिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने बोला एक और कम गए, भाई क्या है ऑन, देखिए और चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ही वर्क फॉर सम टाइम एज जर्नलिस्ट, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो जर्नलिस्ट पत्रकार का भी काम किए। हिज फर्स्ट नोवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उनकी पहली नोवेल कब छपी थी, जब एची वेट्स मात्र 21 साल के थे, तो 21 साल की उम्र में इनकी पहली नोवेल पब्लिश हुई थी। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरी अबाउट एयरमैन, कहता है एयरमैन समझ रहे हैं, वायुसेना के लिए इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। देयर एडवेंचर, उनकी साहस, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स, रॉयल मतलब समझते हैं राजशाही, शाही शाही एयरफोर्स के बारे में उनके अनुभव पर आधारित ये घटनाएं हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है फेयर स्टूड द विंड, ठीक है, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, जो 1944 में पब्लिश हुआ, द पर्पल प्लेन 1947 में, द जैकरेंडा ट्री 1949 में, द स्कारलेट स्वर्ड 1951 में, एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई 1598 में पब्लिश हुआ। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, प्रेजेंट मीन्स क्या, मैं बताता हूं हर चैप्टर में ये बात बताता हूं, प्रस्तुत, बहुत देर हो गया है गुड सौरभ कुमार, बहुत लोग अब पता नहीं बोर फीलिंग करते हैं क्या। द अर्थ जो है सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, इंग्लिश कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स मैंने क्या बताया, देहात या गांव, इंग्लैंड के गांव के बारे में ये चर्चा किया जा रहा है किस चैप्टर में, द अर्थ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इंग्लैंड के गांव का एक वर्णन किया गया है। कहता है इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन, किसके बारे में, एक किसान के बारे में जिसका नाम जॉनसन है, एंड हिज सन बेंजी, और उसका बेटा बेंजी, यानी बाप का नाम क्या है, पिता का नाम जॉनसन और उसके बेटे का नाम बेंजी, हु अपीयर्स टू बी सिंपल माइंडेड पर्सन। बेंजी कैसा दिखाई देता है, सिंपल माइंडेड, साधारण दिमाग वाला, जिसको आप लोग बोलते हैं एकदम देखने में कम दिमागी जैसा लगता ना, थोड़ा सा इंसेंट जैसा, पागल जैसा लगता है देखने में, वैसा बेटा था कौन, बेंजी। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स, ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उस स्टोरी में डिपिक्ट दिखाता है लेजीनेस ऑफ, हमको देखने में मिलेगा माता पिता का आलस्य देखने में लगेगा। अरविंद कुमार चलिए बहुत बहुत आप वेरी नाइस कह रहे हैं, आपको शायद अच्छा लगा, अच्छी बात है कि आपको अच्छा लग रहा है, बहुत कम ही लोग को अच्छा लगेगा ये लाइन बाय लाइन, हर किसी को पता है कि ये पढ़ाई बहुत सारे स्टूडेंट को पचने वाला नहीं है, क्योंकि वो सब आजकल 2020 गेम की तरह शॉट मारने के चक्कर में होते हैं, क्रैश कोर्स के जैसा, यानी सैमरी बताओ, क्वेश्चन आंसर करो भाई, 60-70-80 नंबर आ गए बहुत है, ठीक है ना, 80 नंबर तक वो खुश हो जाते हैं, लेकिन भाई एक अच्छा स्टूडेंट को 80 नहीं, मैक्सिमम लाने की कोशिश करनी चाहिए, और मेरा स्टेटमेंट भी अब की बार 96 बार। तो चलिए, एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस, एक तरफ उसके माता पिता के आलसी लेजीनेस को दिखा रहा है, तो वही दूसरी तरफ ग्रोइंग सेल्फिशनेस, सेल्फिश मीन्स क्या होता है, स्वार्थ, तो दूसरी तरफ उसके बेटे को बढ़ता हुआ स्वार्थ, और कनिंगनेस मीन्स चतुरता, एक तरफ उसके माता पिता की आलस्य को दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसके यानी बेंजी के स्वार्थ और चतुर होने की बात बताया जा रहा है, ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, वो जो सिंपल माइंडेड बेटा है उनके माता पिता का अर्थात बेंजी, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेल्फिश होता जा रहा है और कनिंग होता जा रहा है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर में काम आने वाला है। कहता है वो फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर हाउस, इतना ही नहीं, वह बेटा जिसको मम्मी पापा सब कुछ मानते हैं, अंत में उनको घर से बाहर निकाल देता है। चलिए यह स्टोरी पे आते हैं, बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए चंदन कुमार यादव आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको कोई, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया कीजिए चैट में, आप उसको प्रॉब्लम को लिखा कीजिए ना, प्रॉब्लम ज्यादा बेहतर होगा। टेस्ट हो, आप इसके बाद में एक पोएम पढ़ाऊंगा, पोएम के बाद टेस्ट लूंगा, ठीक है ना? एक पोएम पढ़ाऊंगा उसके बाद टेस्ट लूंगा। चलिए शुरू करता हूं। ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ। एक एक पैराग्राफ को हम सही ढंग से देखेंगे तब मजा आएगा। कहता है ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ। जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो अर्थ था, खेत था। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ, एज इफ कंजक्शन है, इसका मतलब होता है ऐसा मानो कि, बोलते ना ही स्पीक्स एज इफ ही वेर माई फादर, वो ऐसा बोलता है लगता बाप है मेरा, तो वहां पे एज इफ का प्रयोग करते हैं। इट वेयर ऑल दे हैव इवन इवर हैड, और हमेशा से उसके पास ऐसा मानो कि वही रहा है, यानी जमीन ही उसके लिए सब कुछ था। किसके लिए? जॉनसन के लिए। और जॉनसन कौन था? तो किसान था, पढ़े भी। इट वॉज ट्रू दैट दे हैड ऑल्सो पोसेशन, ए प्लाग, ए टू व्हीलर, व्हील्ड कार्ट, टूल्स, ए बोनी ब्राउन मेयर विच स्लोली ड्रैग द प्लाग एंड द कार्ट अबाउट देयर राफ 4 एकर प्लॉट। देखिए अंडरलाइन करने वाली बहुत सारी चीजें। इट वॉज ट्रू, ये बात सही था कि दे ऑल्सो हैड पोसेशन, उसका अधिकार था, यानी उसके पास था। जॉनसन के पास क्या था? एक प्लग था, हल, इसका मतलब क्या होता है हल, एक टू व्हील कार, दो पहिया गाड़ी, व्हील में चक्का होता ना पहिया, तो दो पहिया एक गाड़ी था। टूल्स, खेती के औजार था। ए बोनी ब्राउन मेयर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसके पास और क्या था? बोनी ब्राउन मेयर। ये सब जितने भी टूल और ये प्लग, टू व्हीलर्स, टू व्हील्ड कार्ट, टूल्स, ए बोनी ब्राउन मेयर, बोनी ब्राउन मेयर मीन्स भूरे रंग की एक, क्या था इसके पास? तो घोड़ी थी। इंग्लैंड में बैल का प्रयोग कम किया जाता है हल चलाने के लिए, क्या? प्लग, हल चलाने के लिए। व्हील, टू व्हील्ड कार, दो पहिया गाड़ी, जिसको घोड़ा गाड़ी हम लोग बैल से चलाते हैं तो बैल गाड़ी बोलते हैं, और वे लोग घोड़ा से चलाते हैं तो घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, टमटम। तो उसके पास एक क्या था? हल था, एक दो पहिया गाड़ी था, औजार था खेती का, और एक बोनी ब्राउन मेयर था, यानी भूरे रंग का एक घोड़ी था। विच स्लोली ड्रैग द प्लग, जो धीरे धीरे हल को खींचती थी, एंड द कार्ट अबाउट देयर रफ 4 एकर पेड़, और कार्ट मिस गाड़ी, उस घोड़ा गाड़ी को खींचती थी उसके 4 एकर, रफ मिस उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ समझते हैं असमतल जिसको बोलते हैं, उसका 4 एकड़, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, उसके पास कितना जमीन था? तो 4 एकड़ का प्लॉट था, जो भी कैसा था, रफ था, समतल नहीं था, प्लेन नहीं था। बट विदाउट द अर्थ दिस थिंग्स वेर यूजलेस, लेकिन बिना खेती के ये सारी चीजें बेकार थी, यानी हल, दो पहिया गाड़ी, औजार और घोड़ी, ये सब खेती के बिना सब यूजलेस थे। यूजलेस मीन्स बेकार थे। इट वॉज ट्रू दैट दे हैड, ये बात भी सही था कि उसका एक बेटा था, ये कह रहे हैं। देखिए लेखक किस तरीके से ताना मारते हैं कि ये बात भी सही था कि उसका एक बेटा था। बहुत अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे किसी का बेटा बचपन से ही घर से निकल गया हो, घर में नहीं हो, और आसपास में जब बच्चे बड़े होते हैं तो देखते हैं कि इस आदमी का कोई बेटा ही नहीं है, और बाद में यदि पता है कि उसका एक बेटा, तो आश्चर्य होता है। तो यहां भी एक ऐसा आदमी जो उसका बेटा तो था, लेकिन आप कहानी में पढ़िएगा तो आपको लगेगा तनिक भी वो बेटा जैसा नहीं करता था। जैसे हमारा समाज में सिखाया जाता है माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की आज्ञा की पालन करना चाहिए, लेकिन जैसे कि हम ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है, कि वो आपको लगेगा कि उसका एक बेटा था, आपको देख करके अजीब लगेगा। देखिए करे द जॉनसन सन नेम्ड बेंजी, जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? बेंजी। अभी टेलर चल रहा है कहानी का, ठीक है ना? कहानी की हम अभी आप शुरुआत के जो तीन तीन चार पैराग्राफ हैं उसमें शॉर्ट में आपको टेलर जैसा दिखाई देगा फिल्म का, और उसके बाद फिर रीस्टार्ट होगा। इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स सिंस दे हैड सरेंडर टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। 30 साल तक उसके माँ बाप ने 30 साल तक उसका सेवा सत्कार किया, और उसके बाद सरेंडर कर दिया, यानी विश्वास खत्म कर दिया कि उसका बेटा। वेलकम सर, आप
बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये बात बोलने के लिए, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। साथ में सर भी जुड़े हुए हैं आर्ट्स के, सन ज्ञान आर्ट्स क्लासेस गया के, तो आप चाहें तो एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं कि उनका यूट्यूब चैनल सन ज्ञान आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर उनका जूम क्लास पे क्लास चल रहा है सुबह 8:30 बजे, ठीक है। यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा किन्हीं को ज्वाइन करना हो, तो मैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। चलिए, करे इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इनसेन, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटा पागल था। जॉनसन का बेटा बेंजी, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनसेन था, पागल था, और इम्बेसाइल, और इवन ही कुड नॉट रीड और राइट एंड कॉन्ट फिंगर, इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकता था, वो लिख नहीं सकता था, वो गिनती नहीं कर सकता, कॉन्ट फिंगर्स यानी जोड़ घटाओ नहीं कर सकता था, ये भी नहीं था। उसको सारा चीज आता था, पढ़ा लिखा भी था और गिनती भी आता था, पढ़ भी सकता था, लिख भी सकता था, काउंट भी कर सकता था, कौन, बेंजी। लेकिन उसके माँ बाप ऐसा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा सिंपल माइंडेड दिखाई पड़ता था। बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल, ये इसलिए कि वो क्या था, सिंपल था, नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, दूसरे लोगों के जैसा वो देखने में नहीं था। मैंने बताया भी कि वो क्या था, बहुत सिंपल था, देखने में पागल की तरह लगता था, लेकिन पागल था नहीं। मैंने शुरू में ही बता दिया है कि वो चतुर था और स्वार्थी था, लेकिन उसके माँ बाप हमेशा उसको इनोसेंट समझते रहे, नादान समझते रहे, पागल समझते रहे। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनका एकलौता संतान था, एकलौता बेटा था। इसके अलावा बेंजी के माता पिता अर्थात जॉनसन का कोई और बेटा बेटी नहीं था, एकलौता यही था, कौन, बेंजी। तो आपको पता होगा जिनके केवल एक संतान होते हैं वो सब कुछ उसी को मानते हैं। द जॉनसन हैड स्पेंट मेनी इयर्स बीइंग ए लिटिल टू काइंड, जॉनसन जो है वो बहुत ज्यादा समय इस पर दया दिखाने में बिता दिया, टू अनएक्सियस, बहुत उत्सुकता से बिताए, यानी हद से ज्यादा, जिसको टू जब भी लगता है तो इसका मतलब होता है हद से ज्यादा, टू सैक्रिफाइशियल टू हिम, उसके प्रति हमेशा तत्पर रहते थे, समर्पित रहते थे, यानी बेंजी जो कुछ ही मांगता था जॉनसन देने में हिचकते नहीं थे, क्योंकि वह उनका एकलौता संतान था। सो दैट ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स, यही सो दैट, इसीलिए ताकि वो उनके बेटा जो है क्या हो चुका था, वर्स, घटिया निकल गया था। आप देखते होंगे यदि हर चीज किसी को मिलता रहे जो मांगे, तो वो गलत रास्ते पे चल देता है। इन देयर आईज, उनकी आंखों में, अर्थात जॉनसन और उसकी पत्नी की आंखों में, देन ही रियलाइज जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था, यानी जो जैसा बेंजी था अंदर से वैसा बाहर से दिखाई नहीं देता था। और माँ बाप को हर कोई जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि आप लोग बाहर क्या क्या गुल खिला करके आते हैं, बाहर क्या क्या बदमाशी करते हैं, लेकिन माँ बाप के सामने आते थे इनोसेंट बन जाते हैं, नादान बन जाते हैं, जैसा कि आपको कुछ आता ही नहीं, आपने कोई गलती किया ही नहीं है, और मम्मी पापा आपके आराम से कहते हैं, कोई कंप्लेन लेकर आके आता है तो आप, मम्मी पापा बोलते ना, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटी ऐसा नहीं हो सकता, और आपको पता होता है कि आप सही में किए हैं कि नहीं, आप यद्यपि वो काम करके आए, लेकिन आपके मम्मी पापा का इतना पर भरोसा होता है कि वो कहते नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन आप जिस काम को अंजाम कर दे करके आए हैं, आपको पता चलता होगा कि सच में आप क्या हैं और माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हर माता पिता के नजर में बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, नादान होते हैं, और बच्चों की गलती कोई कंप्लेन लेकर के आए तो उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको अपने बच्चों पर हद से ज्यादा भरोसा होता है। देखिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद सारा काम, बात सही है बिल्कुल, और आप लोग भी करते होंगे, क्योंकि बचपना में अक्सर लोग यही कर देते हैं, गलतियां होती है। बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स, देखिए लिम्स मींस क्या होता है, अंग, पैर, हाथ, तो बेंजी का लंबा लंबा ढील ढाल, समझते ना, लूज, ढीला ढाला क्या था, लंबा लंबा हाथ और पैर था। आप देखते होंगे कुछ बच्चे उम्र से ज्यादा लंबे हो जाते हैं, कम ही उम्र में ज्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उनका शरीर जो है थोड़ा झुका जैसा हो जाता है, उनके शरीर थोड़ा ढीला जैसा हो जाता है, हाथ पैर बहुत शरीर की अपेक्षा थोड़ा लंबा लंबा दिखाई देता है। दैट ऑफन बिलोंग टू द सिंपल माइंडेड,
अक्सर देखने में कैसा लगता था बेन जी? सिंपल माइंडेड लगता था, एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, ये भी अंडरलाइन कीजिएगा, और उनके चेहरे पे लाल रंग का क्या था, मोटा मोटा बाल था। आप देखेंगे इंग्लैंड तरफ के लोग जो होते हैं हद से ज्यादा गोरे होते हैं, और उनका जो चेहरा पर बाल बहुत कम होता है लेकिन मोटा मोटा होता है। आप देखे होंगे किसी इंग्लिश पर्सन को, या आप उनसे मिले होंगे तो जरूर ऐसा देखे होंगे। ही हैड द लुक ऑफ बींग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज ए सिंपल माइंडेड मैन। कहता है उसका दिखावा कैसा था, तो सिंपल माइंडेड के साथ साथ, अंडरलाइन इसको कीजिएगा, सिंपल माइंडेड के साथ साथ सिंपल मैन हार्टेड भी था। सिंपल माइंडेड के साथ साथ क्या था, सिंपल हार्टेड भी था बेन जी, यानी दिल से भी कोमल था, साधारण था, और दिमाग से भी। हिज आईज वेयर ब्लू, ये सब अंडरलाइन करते चलिएगा। उनकी आंखें कैसी थी, नीली, जॉनसन की ना, जॉनसन की ना भाई, बताइए किनका, जल्दी से, जॉनसन की आई नीली थी या बेंजी की? बेंज, हिज का प्रयोग कर रहे हैं हम, केवल बेंजी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिंपल हार्टेड और सिंपल माइंडेड हम बेंजी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने हुए बिल्कुल सही से सुन रहे हैं, आपका आंसर सही है बेंजी, ठीक है ना। बेंजीन, आप केमिस्ट्री में कभी कोई केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो बेंजीन के बारे में सुनेंगे कि बेंजीन को आदमी जैसे ही जिम में लगाता है आदमी मर जाता है, तो कुछ ऐसा ही बेंजी भी करता अपने माता पिता के साथ, माता पिता के लिए वो समझो बेंजीन ही था, जहर ही था। चलिए देखते हैं, पता लगाते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर है, इतना शानदार चैप्टर, जितना भी अभी तक आपको पिछला चैप्टर में थोड़ा सा उब महसूस हुआ होगा, सारा परेशानी खत्म होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। और एक चैप्टर और भी है, लास्ट चैप्टर ए मैरिज, उसमें तो पूरा किताब का थकान उतर जाएगा, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग ही हैड अ सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस। कहता है दिन भर, ऑल डे लॉन्ग, इसका मतलब क्या होता है, दिन भर वो क्या करते रहता था, मुस्कुराते रहता था, उसके चेहरे पर सिंपल स्माइल था। आप देखते होंगे पागलों का या कम दिमाग को, वो बेवजह के हंसते रहते हैं, वैसा ही मुस्कान इस पर था। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आईज, लेकिन इन नीली आंखों के पीछे कहीं ना कहीं, समवेयर कहीं ना कहीं, नीली आंखों के पीछे कहीं ना कहीं, कहता है द सिंपल स्माइल, इस सिंपल स्माइल के पीछे कहीं ना कहीं द सॉफ्ट चाइल्ड इज हेयर, और बच्चा जैसा इस बाल, मुलायम बाल के पीछे कहीं ना कहीं, हिज सिंप्लिसिटी सिम्स ग्रेजुअली टू हैव बिकम ए काइंड ऑफ कनिंग। उसकी जो सिंप्लिसिटी जो थी, साधारणता, साधारण जो उसका दिमाग था, उसकी साधारण मुस्कान थी, साधारण जो बच्चे जैसे बाल थे, ग्रेजुअली धीरे धीरे हैव बिकम काइंड ऑफ कनिंग, धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर बेंजी क्या होता जा रहा था, कनिंग, अंडरलाइन कर लीजिए, चतुर होता जा रहा था, भीतर ही भीतर चालाक होता जा रहा था। करे इट वॉज मोर देन 30 years, 30 साल से ज्यादा, सिंस द जॉनसन रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स। 30 साल तक जॉनसन और उसके माता पिता यही समझते रह गए कि बेंजी जो है वो नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, दूसरे बच्चे जैसा नहीं है। हैड टेकन बेंजी टू ए डॉक्टर, और बेंजी को कहाँ ले गए, डॉक्टर के यहाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बेंजी को कहाँ ले जाया गया, डॉक्टर के पास। दिस डॉक्टर हैड परसोडेड देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट। कहता है डॉक्टर ने परसोड किया, उन लोगों को सलाह दिया कि इसको किसकी जरूरत है, इंटरेस्ट की, मजा की जरूरत है, यानी बेंजी को इंटरेस्ट चाहिए, मजा चाहिए, दैट टुड स्ट्रेंथन हिज माइंड, जो उसके दिमाग को क्या करे, मजबूत करे। आप सबको ही जानते होंगे कि जिस किसी को भी माइंड तेज करना हो तो उसके लिए इंटरेस्ट लेना जरूरी है। आप यदि देखते होंगे कि आपको जबरन घर वाले, बचपन में अक्सर ऐसा होता है कि आपको खेलने जाने का मन होता होगा शाम में, और आपके मम्मी पापा या परिवार वाले बोलते होंगे नहीं पढ़ना है, ट्यूशन पढ़ना है, तो टास्क बना लो नहीं तो मारूंगा, तो आपको कैसा लगता होगा, आपको लगता होगा वो दिमाग ही नहीं काम करता होगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगता होगा, लगता होगा कब जा करके खेल ले ऐसा। और यदि ऐसा नहीं करते होंगे, आपको खेलने नहीं दिया जाता होगा, तो आप याद भी सही से आपको ये नहीं होता होगा, क्योंकि जब तक शरीर को फिट नहीं रखेगा, जब तक माइंड को तंदुरुस्त नहीं रखेगा,
जब तक आप इंटरेस्ट जिस चीज में मजा आता है वो कीजिएगा नहीं, थोड़ा देर ही कीजिए, ऐसा नहीं कि दिन भर वो करते रहिए, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज कीजिएगा तो आपकी दिमाग जो ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि आप साइकोलॉजिस्ट अक्सर यही करते हैं, साइकोलॉजिस्ट दवा से कम और अनुभव से ज्यादा इलाज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राखी अग्रवाल, लेकिन चलिए आप बड़े हैं तो आप तो समझते हैं एजुकेशन का क्या वैल्यू है। इट वुड बी गुड इफ दे गेव हिम समथिंग टू डू, अगर डॉक्टर ने कहा कि ये बेहतर होगा कि यदि आप उसे कुछ करने के लिए दे दें, सम ऑक्यूपेशन, कोई पैसा दे दे, कोई काम दे दे, विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, जिससे उसका क्या होगा, विकास भी होगा, विकास में मदद मिलेगा। It would help a great deal if they gave him a special interest. यदि कोई खास इंटरेस्ट दे दिया जाए बेंजी को तो ये उसके लिए और भी बेहतर होगा। जिस चीज में बेंजी को मन लगता है वो चीज यदि दे दिया जाए तो और भी मजा आएगा उसको, और भी दिमाग जल्दी तेज हो जाएगा। To feed his sense of responsibility, थोड़ी सी जिम्मेवारी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आते ही उसके वो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसका माइंड स्ट्रेंथ हो जाएगा। यू आर पीपुल ऑन द लैंड, चूंकि आप खेतियर हैं, आप जमीन वाले आदमी हैं, अर्थात खेत पे काम करने वाले आदमी हैं। डॉक्टर ने कहा किससे, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने जॉनसन से कहा कि चूंकि आप खेतियर हैं, खेत वाले आदमी हैं, इसलिए लेट हिम कीप हिम्स, इसीलिए हिम किसके लिए प्रयोग किया, बेंजी के लिए, इसीलिए बेंजी को क्या रखने के लिए दे दीजिए, मुर्गी पालने के लिए दे दीजिए। यदि मुर्गी वो पालता है तो उसका दिमाग क्या होगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। सो फॉर मेनी इयर्स बेंजी हैड केप्ट हेंस, बहुत सालों तक बेंजी ने क्या रखा, मुर्गियां रखा। एंड व्हाट द अर्थ वाज टू हिज मदर एंड फादर, जो वैल्यू उसके मम्मी पापा के लिए क्या था, अर्थ, जमीन का, खेत का जितना वैल्यू उसके मम्मी पापा देते थे, The hens were to Benji, वो बेंजी के लिए सब कुछ उसका क्या था, बेंजी के लिए हेंस था, मुर्गी था, यानी उसके मम्मी पापा के लिए सारा चीज खेत था, लेकिन बेंजी के लिए सारा चीज उसकी मुर्गियां थी। दे वेयर ऑलमोस्ट ऑल यार्ड, वो लोगों के पास जो कुछ भी था वो जमीन, लेकिन बेंजी के लिए हमेशा क्या था, मुक्ता महाजन, शायद आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, अब चलिए आशा करता हूं कि आप आगे भी बने रहिएगा। When he came from school, जब वो स्कूल से आता था, कौन, बेंजी की चर्चा किया जा रहा है, जब बेंजी स्कूल से आता था, कट ऑफ बाय हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, चलिए, अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से बेंजी जो है वो दूसरे बच्चों से क्या हो जाता था, कट ऑफ, अलग हो जाता था। स्कूल कहता है Benji went straight home to his hens, which he kept in a wire coop. जब सारे बच्चे खेलने चले जाते तो Benji straight मतलब सीधा घर चला जाता, किसके पास, अपने मुर्गियों के पास चला जाता। Which he kept in a wire coop, जिसको वायर कूप में रहा था। आप मुर्गी को रखने वाला एक देखे होंगे, जो जाली नुमा घर होता है, वायर का कूप होता है, तार से, तार को, जो तार होता है ना, तार, तार को पिरो करके एक बनाया जाता है घर, उसको क्या बोल रहे हैं, वायर कूप, समझ रहे हैं, मुर्गी रखने का घर, आप समझ रहे होंगे वायर कूप। दैट हिज फादर हैड मेड एट द बैक ऑफ द हाउस, उनके पिता अर्थात बेंजी के पिता जॉनसन ने घर के पीछे बनाया था, कहां, एट द बैक ऑफ द हाउस, अंडरलाइन कर लीजिए, घर के पीछे बनाया था। आगे है, एट फर्स्ट ही केप 10 और a dozen hens, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। शुरू में उसने कितना मुर्गी से शुरुआत किया, 10 से 12, a dozen means क्या होता है, 12, 10 या 12 मुर्गियों से शुरुआत किया, कौन, बेंजी की मैं बात कर रहा हूं। ऑल कलर्स एंड ब्रीड्स, सभी रंग के, सभी प्रजाति के, ब्राउन, स्पेकल्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट, कहता है कौन कौन सा, तो ब्राउन कलर का स्पेकल, मल्टी कलर जिसको आप बोलते हैं, चितकबरा, ब्लैक भी और व्हाइट भी, एंड द
कूप वाज स्मॉल, वो जो तार का कूप बनाया था वो बहुत छोटा था। ही फेड द हेन सिंपली, साधारण तरीके से वो मुर्गियों को खिलाता था। बेंजी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके चारा जो है मुर्गियों को खिलाता था। ऑन स्क्रैप, स्क्रैप मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा, अनाज का छोटा छोटा टुकड़ा करके उनको खिलाता था। फ्रॉम द टेबल्स, जो खाना खाने के बाद बच जाता था या खाना खाने के बाद जो नीचे गिरता था उसको उठा करके वो मुर्गियों को दे देता था। ठीक है, कहता है एंड कहता है सीज्ड कैबेज स्ट्रंग फ्रॉम द वायर, और उस तार में क्या कैबेज बंदा गोभी को टुकड़े को ला करके दे देता था। ए लिटिल मेज मकई, मेज मींस क्या होता है मक्का, मक्का को छोटे छोटे मक्का को छोटा छोटा करके देता था। एंड ऑन कॉर्न ईयर्स विच ही ग्लीन्ड इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ स्टबल। स्टबल मींस यहाँ क्या होगा, अनाज की खुट्टी जिसको आप बोलते हैं, अनाज के जो आप देखते हो खेत में जो गिरा हुआ होता है ना उसको जो चुनते हैं अनाज को, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पापा के खेत से जो कुछ भी स्टबल होता वो गर्मी के दिन में, वो पापा के खेत में से अंतिम गर्मी लेट समर, अंतिम गर्मी के समय में जो कुछ भी उसको निकलता अनाज उसको वो क्या करता मुर्गियों को खिलाता था। मकई खिलाता था, कैबेज खिलाता था और स्क्रैप खिलाता था। इट इज पॉसिबल दैट ए हेन बीइंग ए सिंपल क्रिएचर, सबको ये बिल्कुल संभव है कि मुर्गी जो है वो कैसा है, सिंपल क्रिएचर है। तो हेन थ्रिप्स, देखो आगे पीछे कॉमा है तो इसको आगे ले जाएंगे, कि बीइंग ए सिंपल क्रिएचर, छोटा जीव होते हुए, साधारण जीव होते हुए, इट इज पॉसिबल दैट ए हेन थ्रिप्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, एक मुर्गी को अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अच्छे इलाज, अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स अबाउट ए हेन, बेंजी मुर्गी के बारे में हर चीज जानता था, फर्स्ट एंड लास्ट यानी मुर्गी के बारे में हर वो चीज जानता था जो मुर्गियों की जरूरत होती थी। दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, और इसीलिए वो क्या पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, बेंजी ने मुर्गी को क्या अंडों पर बैठाना शुरू किया, लेइंग एग्स अंडों पर बैठाना शुरू किया। इन दोज डेज द सिंपल प्रोसेस हैज नॉट बिकम साइंटिफिक, उन दिनों ये सिंपल प्रोसेस जो होता था मुर्गी पालने का वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता था, साइंटिफिक नहीं होता था। नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड, उस समय ये ज्यादा जटिल भी नहीं होता था क्योंकि वो हर लोग घर में पालते थे। एंड कॉमर्शलाइज्ड, और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मुर्गी का पालन उस समय नहीं होता था। एग्स वेयर चीप, अंडे चीप होते थे, चीप मीन्स सस्ता, अंडे चीप होते थे। Hence, mysteriously, pecked nourishment of the bare earth, कहता है, और मुर्गी को पेक, पीक पेक, पीक मतलब चोच मारना, पेक तो भी टू है, कहता है पेक्ड मीन्स चोच मारा, तो मुर्गियां जो है वो चोच मार के न्यूरिशमेंट लेती थी। न्यूरिशमेंट मीन्स पौष्टिक आहार, कहां से, ऑफ द बेयर अर्थ, जमीन से, नंगी धरती से, नंगी जमीन से मुर्गियां जो है वो न्यूरिशमेंट अपना पौष्टिक आहार लेती थी। आज के जैसे उनको चारा नहीं मिला जाता था, आज के जैसा उनको बढ़ने वाली दवाइयां नहीं दी जाती थी, पहले धरती में से जो कुछ भी उनको पौष्टिक मिला उसी से खा करके मुर्गियां बड़ी होती थी। दे सैट इन एट होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, मुर्गियां जो है वो नेस्टिंग बॉक्स में यानी जो जाल बुना हुआ तार का उस बॉक्स में जाकर बैठती थी। ऑन एस्ट्रा, अस्ट्रा में समझते हुए घास पुआल, घास पुआल पर मुर्गियां बैठती थी। एंड लेड द एक्सपेक्टेड ऑफ देम, आप देखे होंगे कभी मुर्गी पालन किए होंगे तो आपको पता होगा कि मुर्गियां जब भी अंडे देती है तो छुप करके देती है, और दूसरी बात और केयर किए होंगे कि मुर्गी जहां अंडे देती है तो आप एक उसका बास्केट वगैरह टोकरी वगैरह रख देते हैं, या फिर देहात क्षेत्र में आप उसको बहुत सारे वैसे कढ़ाई वगैरह जैसा रहता है मिट्टी का बना हुआ उसको रख सकते हैं, और उसके अंदर पुआल रखा जाता है, स्ट्रा रखा जाता है ताकि अंडे देने के बाद अंडे फूटे नहीं। अगर जो पुआल पे होता है तो वो फूटता नहीं और डायरेक्ट जमीन पे गिरता अंडा तो फूटने का भय बना रहता है, इसीलिए उस पर स्ट्रा डाल दिया जाता था। कहता है बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, बेंजी मुर्गियों के बिजनेस के बारे में एक और चीज जानता था। That was that eggs could be sold to callers at the back door of their house.
देखिए क्या चालाकी का पहला दृश्य आपको दिखाई देने वाला है कि बेंजी जो है वो मुर्गी का अंडा प्रारंभ में कहां से बेचता था? बैकडोर, पिछला दरवाजा से। आप पिछला दरवाजा से कोई काम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? चुपके चोरी, चुपके चुपके चोरी चोरी। क्या बेचता था वो? मुर्गी का अंडा बेचता था। इन अ स्कोर एंड हाफ अ स्कोर, कहता है 20 और 30, अ स्कोर एंड हाफ अ स्कोर, 20 और 10 30, 30 एंड 5 वर्स, बहुत सारे 5 के गुणज। एंड द मनी फ्रॉम दीज एग्स वाज पुट केयरफुली, पैसा जो है कितना बोल रहे हैं, 30 या फिर 5 का गुणज, 5 के सिक्के वगैरह जो कुछ भी आते होंगे इंग्लैंड में, जो भी कुछ भी चलता होगा, डॉलर चलता है ना, तो 5 का डॉलर या कोई भी 5 का होगा, तो उसको क्या करते थे? तो बेंजी जो है, मनी फ्रॉम दिस एक्स वाज पुट केयरफुली, बहुत ही सावधानी से अंडों का बेचा हुआ पैसा रखता था, ऑलमोस्ट रिलीजियसली, जैसे धार्मिक दृष्टिकोण से, एक रिलीजियसली धार्मिक तरीके से रखता था, जैसे हम लोग करते हैं कि सुबह दुकान वगैरह खोलते हैं तो लोग बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते होंगे, अगरबत्ती वगैरह जलाते होंगे, बहुत लोग क्या करते हैं मंगलवार को पूजा करते होंगे, बहुत लोग सोमवार को, कुछ लोग बृहस्पतिवार को, कुछ लोग शुक्रवार को, कुछ लोग संडे को। तो ये धर्म अपना अपना सबका विचार है या अपना अपना दिन है, उसी तरीके से ये जो है बेंजी वो धार्मिक दृष्टिकोण से पैसा रखता था, यानी हर दिन बड़ी सावधानी से कि पर डे इतना पैसा उसके अंदर जाना चाहिए तो जाना चाहिए, अंडा बेच बेच कर वो उतना पैसा रखता था। इनटू ए लार्ज व्हाइट बेसिन, किसमें रखता था? व्हाइट बेसिन में, अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाइट बेसिन में वो अंडे को रखता था। दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ ऑफ द किचन का बोर्ड, जो किचन किचन रूम था ना, उसके ऊपर एक कप बोर्ड यानी प्याला जैसा रखा हुआ था, ऊपर एक बोल सकते हैं कि एक बेसिन जैसा रखा हुआ, एक थोड़ा सा छुपा हुआ जगह था, वहां पे पैसा छुपा करके रखता था। कौन? बेंजी। द बेसिन वाज बियॉन्ड बेंजी रीच, और बेंजी जो बेसिन जो है वो बेंजी के पहुंच से दूर था, यानी थोड़ा सा ऊपर था, वहां पैसा वो रखा करता था ताकि आसानी से उसको पता नहीं चल सके। बट वन डे, लेकिन एक दिन, हिज मदर वुड टेल हिम, उसकी माँ ने उससे कह दी, द मदर विल बी योर, सॉरी, द मनी विल बी योर्स, ये पैसा तुम्हारा होगा, यू अंडरस्टैंड, समझा? माँ बोले, बेटा ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, समझ में आया? योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, तुम्हारे पापा और मैं पैसा सेव कर रही हूँ, पैसा बचा बचा के रख रही हूँ। वेन देयर इज इनफ, जब ये पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, करें, जब ये पैसा ज्यादा हो जाएगा, वी सेल पुट इट इन द बैंक, हम लोग इसको कहाँ रख देंगे? बैंक में रख देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, बैंक इस पर क्या देगा? ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। एंड देन वन डे, और तब एक दिन, व्हेन यू आर 21, जब तुम 21 साल के हो जाओगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब तुम 21 साल के हो, इस पर सारा अधिकार किसका हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा। हमारे भारत में ये कानून 18 साल पे है कि 18 साल हो गया तो आप वोट देने का अधिकार हो गया, आप सामाजिक दृष्टिकोण से आपका अधिकार हो गया सन संपत्ति पे। तो उस समय इंग्लैंड में कितना साल पे था? 21 साल का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इट सेल ऑल बी योर्स, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विथ इट, और फिर उसके बाद तुम जो चाहोगे तुम उससे वो कर सकते हो इन पैसों से। डू यू अंडरस्टैंड, समझा बेंजी? एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर, बेंजी अपनी माँ पर मुस्कुराया, साधारण तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, से यस ही अंडरस्टूड, उसने कहा हाँ माँ मुझे समझ में आ गया, यस मम्मी आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर लगभग 40-41 मिनट का होने जा रहा है, तो इसके बाद आगे की क्लास में या फिर और करूं, मजा आ रहा है? हमको तो लग रहा है कि आज क्लास को ड्रॉप किया जाए, बहुत देर हो चुका है। बोलिए क्या इरादा कर रहा है जी, आज ज्यादा मूड नहीं पढ़ने का?
आज सारे लोग बने हुए हैं। आज क्या है कि सारे लोग बने हुए। चलिए इट्स इनफ, एक दिन में ज्यादा कुछ होने से कल फिर बहुत अभी लंबा चैप्टर है ये, लेकिन मजा, अब मजा की ओर हम लोग मुड़ रहे हैं, यानी स्टोरी का जो रियल नाइट रियल चीज है वो अब आ रहा है, ठीक है। और अपने लोगों को भी अपने जो थोड़ा बोल दीजिए, संस्कृत वगैरह का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, भले ही वो टीचिंग किसी और का है, ठीक है ना, मेरी आवाज होगी केवल उसमें, मेरी आवाज है लेकिन टीचिंग किसी और का। और साथ ही साथ आप संडे को फिर से मैं 12 क्लास का जो हिंदी है उसको लेकर के आऊंगा, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से आपको सब बखैर।